हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एक्सपेरिमेंटिव फार्मेसी। आज हम लोग दोस्तों एनालिसिस बी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के एनालिसिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर लेकर आए हैं आपको। इसमें से जो कि आपके बी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम चल रहे हैं उसके वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसके आने की प्रोबेबिलिटी मोस्ट है। तो हम देख लेते हैं आप इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताएंगे, किन किन टॉपिक्स से बताएंगे आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपको पता है कि इस वीडियो में आपको इस कंटेंट को मिलेगा तो देखने का फ़ायदा, क्योंकि एग्ज़ाम है। अगर आपको एग्ज़ाम में गलत वीडियो आप देख लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में प्रभाव पड़ जाएगा। तो हम बता सकते हैं आपको कौन कौन इस आपको वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। आपको दोस्तों मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट पढ़ाएंगे, क्या होते हैं डिफरेंट बताएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे मेटल्स आयन इंडिकेटर्स क्या होते हैं एंड एल्कोबिक इक्वेशन क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। एंड मेथड एक्सप्रेशन कंसेंट्रेशन के बारे में बताएंगे, नॉर्मेलिटी उसके अंदर नॉर्मेलिटी बताएंगे, मोलालिटी बताएंगे, पीपीएम बताएंगे, पार्ट पर मिलियन बताएंगे, एंड वफर सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप बताएंगे, एंड क्या कहते हैं हैंडरसन एंड हेसल बैच इक्वेशन बताएंगे, डिफरेंट बिटवीन आइडोमेट्रिक एंड आइडोमेट्रिटाइटेशन बताएंगे, को प्रेसिपिटेट एंड पोस्ट प्रेसिपिटेट बताएंगे, एंड डिफरेंट बिटवीन लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंटिंग इफेक्ट के बारे में बताएंगे दोस्तों। साथ साथ एप्सन साल्ट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इंडियन फार्माकोपिया क्या कहते हैं कि फर्स्ट एंड फोर्थ एडिशन के बारे में बताएंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है आने की। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। पहला हमारा है डिफरेंट बिटवीन मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट। तो हमारा दोस्तों क्या पहला हमारा मास्किंग एजेंट क्या होता है। मास्किंग एजेंट क्या है, मास्किंग एजेंट इज द रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं एक रेजेंट होते हैं विच मास्क करते हैं। मास्क मतलब दोस्तों मास्क मतलब हाइड करना, छिपाना, द इफेक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग मेटल्स आयन फ्रॉम रिएक्शन ऑफ ADTA, ठीक है। तो मास्किंग एजेंट एक एजेंट होते हैं जो हाइड करते हैं, छिपाते हैं, जो इफेक्ट करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट या एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारे क्या कहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, अगर उनको इंटरफेयर्स न करें हमारे रिएक्शन में, इसलिए उनको हाइड किया जाता है बाय मास्किंग एजेंट के द्वारा। तो मास्किंग एजेंट में सोडियम सल्फेट है जो कि कोबाल्ट, कॉपर एंड लेड को हाइड करता है, एंड एस्कर्बिक एसिड जो कि लेड एंड साइनाइड को हाइड करता है, ठीक है, मास्क करता है। डीमास्किंग एजेंट दोस्तों वे एजेंट होते हैं जो कि डीमास्किंग एजेंट इज रेजेंट होते हैं जो विच मास्क सब्सटेंस को रिगेन उनकी पावर को पुनः दे देते हैं टू एबिलिटी टू रिएक्ट कि वहां पर जाकर क्या कहते हैं इंटर मतलब जो हमारे मास्क जो हमारा मास्किंग एजेंट था जो किसी भी एलिमेंट को मास्क किया था, तो डीमास्किंग एजेंट उसको मास्क को पुनः से उसको हटा देता है, उसको एबिलिटी दे देता है कि वो किसी भी रिएक्शन में जाकर इंटरफेयर कर सकता है। ऐसे एजेंट को डीमास्किंग एजेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्लोरर हाइड्रेट होता है दोस्तों एंड फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब दोस्तों मार देखा दूसरा क्वेश्चन होता है नेम ऑफ द मेटल्स एंड इंडिकेटर्स, वह मेटल्स एंड इंडिकेटर नाम बताए जो कि पाया जाता है हमारे क्या कहते हैं मेटल्स इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। तो हम बता दें दोस्तों हमारा जो होता है एरियोक्रोम्स ब्लैक टी, एरियोक्रोम ब्लैक टी जिसे EBT कहा जाता है, इट इज़ आल्सो नोन एज मॉडर्नट ब्लैक एलेवेंस इंडिकेटर, इसे मॉडर्नट ब्लैक एलेवेंस इंडिकेटर कहा जाता है। कई बच्चे इसे मॉडर्न ब्लैक इलेवन को मॉडर्न ब्लैक सेकंड इंडिकेटर पढ़ते हैं जो कि लॉन्ग है, उसको उनको पता नहीं कि वो सेकंड नहीं वो इलेवंथ लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो एरियोक्रोम ब्लैक जो होता है टी जो होता है इलेक्ट्रोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर मेटल्स एन इंडिकेटर। दूसरा मेरू इसका एंड पॉइंट क्या होता है, एसिड मेटल होता है, बेस में ब्लू होता है दोस्तों। मेरू ऑक्साइड इंडिकेटर का एंड पॉइंट एसिड में येलो एंड बेस में पेल ब्लू होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं एल्कोबिक इक्वेशन का। तो एल्कोबिक इक्वेशन इस डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है रिलेशनशिप को बिटवीन डिफ्यूजन्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट्स, ठीक दोस्तों। तो एल्कोबिक इक्वेशन इस डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन्स करंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के। हमारा ID इसका इक्वेशन का होता है, ID एवरेज होता है 607 होता है,
6 0 7 n d का पावर 1/2 m/2/3 एन टी पावर 1/6 c या जो था एवरेज क्या कहते हैं डिफ्यूजन्स करंट होता है एंड जो आई डी मैक्स होता है, इनमें से आप कोई एक लिख सकते हैं। यदि वो इंडिकेट करता है कि एवरेज वाला फार्मूला लिखिए तभी लिखिए, नहीं जिनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। 7 0 6 n d / 1/2 m/2/3 प्लस और टी प्लस नहीं है टी है टी पावर 1/6 n c या जो होता है आई डी मैक्स एल्कोबी के इक्वेशन होता है। वेयर जो होता है आई डी है डिफ्यूजन करंट होता है दोस्तों। एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, एंड डी का है डिफ्यूजन कोफिशियंट, एम क्या रेट ऑफ मास फ्लो द मर्कुरी कैपिलरी इन मिलीग्राम में यह व्यक्त करता है। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा क्या है अगला हमारा। अब क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों तीसरा है देख लेते हैं। डिस्क्राइब मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से हमारे मेथड हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा है दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी क्या है। तो हमारा दोस्तों नॉर्मेलिटी जो होता है इट इज डिफाइंड, इसे हम परिभाषित कर सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, इट इज डोनेटेड कैपिटल से एन। इसका फार्मूला हो जाता है, फार्मूला क्या होता है नॉर्मेलिटी जो होता है एन बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है तो उसे नॉर्मेलिटी कहते हैं। मोलालिटी क्या होते हैं दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिए उसमें नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, मोलारिटी इट इज डोनेटेड कैपिटल एम। तो मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। मोलालिटी क्या है दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी, इट्स डोनेट्स स्मॉल एम। तो यह जो होता है इसमें क्या होता है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वही होता है लेकिन प्रेजेंट इन 1 लीटर में होता है या प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में होता है, इसका 1 लीटर में होता है या इसमें जो होता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में होता है, ठीक है। तो मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओके बराबर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्वेश्चन नंबर मास दोस्तों मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एक्सप्रेसिव कंसंट्रेशन मेथड में चौथा है पार्ट पर मिलियन, इसे ppm भी कहा जाता है। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट, जो मास ऑफ सॉल्यूट है और उसे डिवाइड कर दें बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन से बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई कर दें 10^6 इज कॉल्ड ppm। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन को 10^6 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह सॉल्यूशन जो होता है या एक्सप्रेशन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन क्या कहलाता है पार्ट ऑफ मिलियम, ठीक है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है दोस्तों। व्हाट आर बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, गिव इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके मैकेनिज्म एंड इसके एक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है, दीज आर सॉल्यूशन या एक सॉल्यूशन होते हैं फिर रेजिस्ट माने रोकते हैं चेंज ऑफ pH, जो pH को चेंज को रोकते हैं कि pH चेंज ना हो एंड बाय एडिंग, इसको हम कह सकते हैं रोक सकते हैं pH को बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड अथवा बेस को इज कॉल्ड बफर, ठीक दोस्तों। एसिड बेस मतलब एग्जांपल जैसे अमोनिया के बीक एसिड बीक बेस एंड इट्स साल्ट को अथवा बीक एसिड इट्स साल्ट को हम ऐड कर लेते हैं तो कि बैलेंस करते हैं, थोड़ा अगर एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो बेस इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, अगर बेस की मात्रा बढ़ेगी तो एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए इसमें जो होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस लिया जाता है, ये होता है बफर सॉल्यूशन। इट इज अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट करता है चेंज ऑफ पीएच को बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिस का एग्जांपल आपको दिया है। इट इज 2 टाइप्स होता है दोस्तों, कितने टाइप होते हैं 2 टाइप को, पहला है दोस्तों इट इज मतलब 2 टाइप एसिड ऑफ बफर सॉल्यूशन, दूसरा है बेसिक ऑफ बफर सॉल्यूशन, एसिड ऑफ बफर सॉल्यूशन दूसरा है बेसिक ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो हमारा दोस्तों एसिड ऑफ बफर सॉल्यूशन है इट इज मिक्सचर होता है, क्या होता है मिक्सचर होता है बीक एसिड का एंड इट्स साल्ट, उसी बीक एसिड के साल्ट का दी पीएच, इसका पीएच ऑफ इस सॉल्यूशन का पीएच जो होता है आप बफर का सॉल्यूशन जो होता है लेस देन 7, इसका 7 से कम होना चाहिए। देखिए एक हमारा सेटिक बीक एसिड है और उसी के साल्ट है सोडियम मेथॉक्साइड, ऐसा सोल्यूशन जो होता है या एसिड बफर सोल्यूशन कहलाता है।
बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट, वीक बेस के साल्ट का, एंड दिस पीएच ऑफ सच सॉल्यूशन इज मोर देन 7, उसके मोर देन 7 उसका पीएच, इस सॉल्यूशन का पीएच होता है मोर देन 7 को होता है। देखिए वीक बेस है और इट्स एक साल्ट है, इस प्रकार हमारा बफर सॉल्यूशन होता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। हमारा इसका मैकेनिज्म भी देखना है, क्या मैकेनिज्म होता है दोस्तों, मैकेनिक्स ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो कंसीडर इसके लिए हमको कोई एसिड एसिड अथवा बेसिक बफर सॉल्यूशन लेकर आपको समझाना पड़ेगा, तो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो होता है दोस्तों कंसीडर हमने लिया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन हमने किया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन लेकर आपको मैकेनिक्स समझाते हैं। हमने कहा एसिड बफर सॉल्यूशन लिया जो कि वीक एसिड एंड वीक उसका साल्ट है, तो वीक जो ये दोनों वीक एसिड एंड वीक साल्ट आयनाइज हो गए, देख लिए वीक एसिड जो होता है आयनाइज होगा सिट्रिक आयंस एन एस प्लस आयन डोनेट कर दिया, एंड आयनाइज हो गया साल्ट भी आयनाइज हो गया। तो आयनाइज व्हेन ऐड एसिड इन एडेड, जब हम इसमें ऊपर से हम क्या कहते हैं एसिड की मात्रा बढ़ाते हैं, एस प्लस आयन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो एसिड कंबाइन कर जाता है सिट्रिक आयन के साथ एंड गिव्स फ्रेली आयनाइज सिट्रिक एसिड को बनाता है, जो कि क्या कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑफ एच प्लस आयन को डज नॉट इंक्रीज, जो कि एसिड की मात्रा को इंक्रीज नहीं करने देता, वह सिट्रिक एसिड में सिट्रिक आयन जो होता है सिट्रिक एसिड बना लेता है, जो कि वीक एसिड है उसकी मात्रा को इंक्रीज नहीं करने देता। इस तरह हमारे क्या कहते हैं सोल्यूशन में जो होता है वर्क करता है। अगर अब हमने कहा यदि एसिड मात्रा या सील की मात्रा बढ़े तो यह सील टूटा सिट्रिक एसिड को एब्जॉर्ब कर सिट्रिक एसिड में सिट्री आयन इसको एब्जॉर्ब कर सिट्रिक एसिड में बदल दिया, बट अगर हम बेस की मात्रा बढ़े तो हमारा कैसे सोल्यूशन हम मैनेज करेंगे उसके लिए दोस्तों, व्हेन ए बेस इज एडेड टू द एबव सोल्यूशन, इसी में बेस हम एडेड करें तो हमारा जो होता है कंबाइन जो ओएच आयन है कंबाइन होता है, जो हमारा सिट्रिक आयन एच प्लस आयन रिलीज करेगा उसके ओएच आयन को बनकर जल को फॉर्म करेगा। हम जानते हैं जल हमारा जो होता है दोस्तों क्या होता है वो न्यूट्रल होता है, तो ना पीएच को इंक्रीज करेगा ना पीएच को डिक्रीज करेगा, पीएच को एक बैलेंस करेगा, जिसे हम बफर कहते हैं। तो यह बफर हमें कार्य इसी मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म क्या होता है यह तो एस प्लस आयन के बनेगा तो उसे सिट्रिक्स आयन जो होते हैं उसे कंबाइन होकर सिट्रिक एसिड बना देंगे, अगर ओएच की मात्रा बढ़ेंगे बेस की तो उसे जल बना देगा, यह इसका मैकेनिज्म है आप दे क्या कहते हैं हमारे बफर सॉल्यूशन की। तो हम देख लेते हैं अब अगला क्या होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों डिराइव हर्डेंस एंड हैसलवेज इक्वेशन, डिराइव करना हमें हैंडसन एंड हैसलवेज इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इस देख लेते हैं। तो इसके बाद यह क्या है दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कौन सा है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि दोस्तों विच आर यूज होते हैं प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन गिवन पीएच, किसी भी पीएच अगर आपको हम बता दें आपको 7 पीएच का हमको सॉल्यूशन बना कर, मतलब 8 पीएच का आप सॉल्यूशन बना दीजिए तो आप कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे, आप एक्यूरेट नहीं बना पाएंगे। तो हमारे हैंडसम एंड हैसलवेज सॉल्यूशन जो क्वेश्चन दिए वो इसीलिए दिए थे, आप किसी भी पार्टिकुलर किसी भी पीएच का आप अपने एकदम एक्यूरेट आप सॉल्यूशन बना सकते हैं इन इन फार्मूले के द्वारा। तो वही लिखा गया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है विच यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बफर्स सॉल्यूशन गिवन पीएच, किसी भी दिए गए पीएच पर इसे कंसीडर किया जाता है। अगर हम कंसीडर आयनाइजेशन ऑफ एक वीक एसिड के बारे में अगर लेकर चलें इसको सिद्ध करने के लिए, तो हमने ठीक हमने एक एसिड को लेकर इसको हम फार्मूला को सिद्ध कर रहे हैं, तो एसिड जो हमने एसिड वीक एसिड आयनाइज होगा सिट्रिक आयंस एंड एस प्लस आयंस होता है, तो यहाँ पर हम जब ये वो होगा तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अप्लाइंग दी लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास अप्लाई करने पर जानते हैं कि ये कॉन्स्टेंट है डिसोसिएशन एसिड कॉन्स्टेंट है, तो जो यहाँ पर दोस्तों उसको हम ऊपर लिखेंगे एच प्लस आयन, उसके बाद जो यहाँ पर इसको हम नीचे लिखेंगे, यही अप्लाइंग ऑफ लॉ मास का नियम होता है। उसके बाद हमको एच ज्ञात करना किसी के मतलब पीएच ज्ञात करना एच ज्ञात करना, तो एच जो होता है ये हम लाएंगे तो कि इधर चला जाए तो कि जो सिट्रिक एसिड पर जो हमारा साल्ट है सिट्रिक आयन है ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर एच प्लस आयन अगर हम यहाँ इसको हम साल्ट मान इसको हम एसिड मान लें इसे साल्ट कह सकते हैं ना, एसिड है सिट्रिक एसिड इसको हम साल्ट कह सकते हैं क्योंकि यह साल्ट को फॉर्म करेगा आगे चल के, तो एच प्लस आयन बराबर के ए जो कि डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है एसिड का एसिड एंड साल्ट हो जाएगा। तो हम टेकन लॉगरिथम नियम अगर इसमें लगा देगा आप जानते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है, तो यहाँ पर हम एच बराबर हम लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ पर इसको हम माइनस लॉग से गुणा कर दें माइनस लॉग एच प्लस आयन बराबर लॉग के
माइनस लॉग एसिड एंड सॉल्ट, ठीक है, लॉग्स यहाँ से गुणा कर दिए, लॉग यहाँ से गुणा कर दिए, तो यहाँ पर लॉग के साथ लॉग को गुणा कर दिए, माइनस क्या कहते हैं इसके साथ क्या कहते हैं गुणा कर दिए एसिड एंड सॉल्ट के साथ, तो हमारा आप कहते हैं हम लॉग माइनस माइनस लॉग एच, जो तो हमने कहा पी एच बराबर माइनस लॉग एच, तो माइनस लॉग एच को हम पी एच कह सकते हैं दोस्तों, लॉग के को हम कॉन्स्टेंट पी के ए वैल्यू कह सकते हैं, प्लस अगर हम साल्ट यहाँ पर नीचे है एसिड ऊपर है, साल्ट की वैल्यू को हम ऊपर कर दें तो यहाँ माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो पी के ए साल्ट प्लस एसिड, तो बदल दिए जो कि एसिड ऊपर है और साल्ट नीचे, तो इसके हम ऊपर कर देंगे एसिड नीचे कर देंगे, तो क्या होगा माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो पी एच बराबर पी के प्लस लॉग साल्ट एंड एसिड, यही जो होता है इक्वेशन ऑफ जो होता है दोस्तों हैंडसन हेसलबल्स इक्वेशन होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है दोस्तों पी एच को ज्ञात करने के लिए। आप किसी भी आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन किसी भी मॉलिक्यूल सबका पी के वैल्यू लिखा होता है, पी के वैल्यू के द्वारा हम किसी भी साल्ट अथवा एसिड की उसको लेकर क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं पी एच उसकी ज्ञात कर सकते हैं, कितने पी एच को आपको निकालना है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या होता है, डिफरेंट बिटवीन आइडोमेट्री एंड आइडोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है दोस्तों, तो हमने बताया आइडोमेट्री जो होता है आइडोमेट्री आइडोमेट्री दोस्तों दोस्तों ये जो इट इज़ अ टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन होते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं आयोडीन को लेते हैं, इट इज़ स्टैंडर्ड सोल्यूशंस एंड इसमें आयोडोमेट्री आयोडाइड को लेते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इसमें आयोडीन को लेकर आयोडाइड बनाते हैं, इसमें आयोडाइड से लेकर आयोडीन बनाते हैं, इस पर हमने वीडियो एक सेपरेट बना दिया गया है, इसलिए इसमें हम इसको इस वीडियो में मेंशन नहीं करेंगे, आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको आइडोमेट्रिक से ढेर सारे लेक्चर पड़े हैं, 5 मिनट का होगा आप देख लीजिएगा, ठीक दोस्तों। हम देख लेते हैं अगला वीडियो, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिफाइन बिटवीन को प्रेसिपिटेट एंड पोस्ट प्रेसिपिटेट के अंदर अंतर बताइए दोनों में, ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लीजिए, तो इट इज़ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन वेयर सोल्यूबल कंपाउंड इज इन ए सोल्यूबल आर रिमूव ड्यूरिंग दी मतलब ड्यूरिंग दी डिजायरेबल प्रेसिपिटेशन, जब बन रहा होता है उसी समय हमारा जो होता है स्पॉन्टेनियस जो होता है जो अनडिजायरेबल प्रेसिपिटेशन होता है वह भी फॉर्म होकर निकल जाता है, यही कह रहा है कि इट इस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन वेयर सोल्यूबल कंपाउंड्स जो होते हैं उसी किसी भी सैंपल मिले होते हैं जब हमारा जब हम और रिमूव हो जाते हैं ड्यूरिंग दी जब हम प्रेसिपिटेशन अथवा डिजायरेबल जो प्रेसिपिटेशन बना रहते हैं उसी के साइमल्टेनियस साथ ही साथ निकल जाता है, ये जो होता है दोस्तों पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है या साथ साथ होता है को प्रेसिपिटेशन, इसके साथ क्या होता है इट इज टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन वेयर द प्रेसिपिटेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड ऑकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द डिजायरेबल कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। क्या हमने क्या कहा है कि इट इज टाइप होते हैं प्रेसिपिटेशन वेयर द प्रेसिपिटेशन क्या कहते हैं अनडिजायरेबल, जहाँ अनडिजायरेबल जो हमारा कंपाउंड है ऑकर बनता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिजायरेबल कंपाउंड, जब हमारा जो हमारा डिजायरेबल प्रेसिपिटेशन बना रहते हैं उसको बनाकर हम उस मदर लिक्विड को धर देंगे कुछ समय के लिए, तो उसके बाद हमारा जो अनडिजायरेबल प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम पोस्ट प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक दोस्तों। अब हम क्या कहते हैं उसका अंतर डिग्री ऑफ कंटामिनेशन हाई या जो होता है एक साथ होता है क्योंकि एक साथ दोनों बनते हैं तो इसकी कंटामिनेशन हाई होते हैं, इसके डिग्री ऑफ कंटामिनेशन इज लो होता है क्योंकि इसको हम मदर लिक्विड को धरने के बाद की पसाइट कुछ 5 मिनट के बाद उसके बाद ये बनता है, इसीलिए डिग्री ऑफ कंटामिनेशन लो होता है। अगर हम बात करें इट्स ऑकर ड्यूरिंग दी डिजायरेबल प्रॉपर्टी जब या तब बनता है जब हमारा डिजायरेबल प्रेसिपिटेशन बनाते वक्त ही ये वाला प्रेसिपिटेट बनता है, या जो होता है इट्स ऑकर आफ्टर दी डिजायरेबल प्रेसिपिटेशन या तब बनता है जब हमारा डिजायरेबल प्रेसिपिटेट बन जाता है उसके बाद मदर लिक्विड को देते उसके बाद बनता है वाला प्रॉब्लम, इसका एग्जाम्पल जो होता है जैसे हमने कहा दोस्तों सिल्वर AgCl प्रेसिपिटेट बना ले होते हैं तो AgCl जो होता है साथ ही साथ AgCl Ag कंडक्ट करके डिसोल्यूबल जो कि इम्प्यूरिटी जैसे सिल्वर नाइट्रेट Ag सल्फेट ऐसे साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर दो साइमल्टेनियस दोनों प्रेसिपिटेट बनाए ऐसे प्रेसिपिटेट को क्या को प्रेसिपिटेट कहते हैं, उसमें जो होता है हमारा दोस्तों फॉर्म कैल्शियम ऑक्जिलेट आफ्टर द प्रेसिपिटेशन ऑफ आफ्टर द प्रेसिपिटेशन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्जिलेट, जो हमारा दोस्तों कैल्शियम ऑक्जिलेट है बनता है कब बनता है आफ्टर जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्जिलेट बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्जिलेट प्रेसिपिटेशन, तो उसको हम धर देते हैं तो उसके बाद हमारा कैल्शियम ऑक्जिलेट सोल्यूशन बनता है, ठीक दोस्तों।
ये हो गया हमारा को प्रेसिपिटेट एंड पोस्ट प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, उसको आप इस अनुसार लेकर आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं है तो आप इस वीडियो को 2x में देख लीजिए, स्पीड में दोगुना कर दीजिएगा, ठीक दोस्तों। लेकिन पढ़ के जरूर जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो क्योंकि आपके लिए ही बनाया गया है एनालिसिस का, ताकि आपको बैक से आप बचे रहें। और इसको पढ़िएगा, ये आएंगे, यही क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आएंगे, यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आएंगे, यही क्वेश्चन आपको 5 से 10 नंबर में आएंगे, 7 नंबर में आएंगे। आप इसको समझ लेगा आप कैसे लिखेंगे आपके ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंट बिटवीन लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंट एंड डिफरेंटिंग इफेक्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों डिफरेंट हमें बताना है किस में डिफरेंट बिटवीन लेवलिंग इफेक्ट में डिफरेंट एंड डिफरेंटिंग इफेक्ट में। तो हमारा जो होता है, इट इज सॉल्वेंट हुज लेवल्स एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। लेवलिंग जो इफेक्ट होते हैं दोस्तों, तो सॉल्वेंट होते हैं वे क्या होते हैं हम बता रहे हैं। तो जो इट इज़ सॉल्वेंट, पहली बार लेवलिंग इफेक्ट को ही लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं, आप कंफर्म कर लीजिए। तो इट इज़ सॉल्वेंट जो होते हैं, जो लेवल करते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को, दोनों की जो आयनाइजेशन पावर है अलग अलग होती है। अगर अलग अलग होती है तो हमारा जो लेवलिंग सॉल्वेंट होते हैं, अगर उसमें हम डिजॉल्व कर दें, जैसे अमोनिया हो गया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट को ही लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं, तो उनको अगर उसमें हम डाल दें दोस्तों, तो उसमें वीक एसिड एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की जो आयनाइजेशन पावर होती है उस लेवल हो जाती है, दोनों की समान हो जाती है, दोनों को लेवल हो जाती है, इसीलिए से लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों की लेवलिंग आयनाइजेशन पावर सेम हो जाती है, इसीलिए लेवल हो जाती है, इसीलिए इसे लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। इसमें जो होता है डिफरेंटिंग इफेक्ट इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑल एसिड एंड बेस जो डिसोसिएशन होता है इन डिफरेंट डिग्री में इन डिफरेंट सॉल्वेंट, इनका रेट ऑफ डिग्री जो एक्वस में अलग होता है, जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं उनमें की डिग्री आप जो हमारी क्या कहते हैं डिग्री आप जो होता है डिफरेंट सॉल्वेंट की अलग होती है। जैसे हम अगर बात करें वाटर में तो कम होती है, अगर हम सॉल्वेंट अगर अदर सॉल्वेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट बात करें तो डिग्री आप जो डिग्री रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड डिसोसिएशन अलग 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 सॉल्वेंट अलग अलग इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, इसलिए इसे डिफरेंटिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक। डिफरेंट ऐसे इसलिए लेवल कहते हैं क्योंकि वह एसिड एंड बेस दोनों को स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड दोनों को स्ट्रॉन्ग मतलब लेवल मिला देते, दोनों की डिसोसिएशन लेवल हो जाता है। लेकिन वाटर में अगर हम कहा वाटर जो होता है इस तरह वर्क नहीं करता, क्योंकि वाटर अगर हम बात करें जल HCl को, अगर हम जल में बात करें HCl के स्ट्रॉन्ग एसिड टूट जाएगा, लेकिन अगर वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सिलिक एसिड की बात करें तो यह जो होता है आधा टूटे आधा अनडिसोसिएट फॉर्म रहेगा। तो ऐसे इसी स्थिति को दूर करने के लिए लेवलिंग इफेक्ट आया। कैसे आया हम आपको समझा रहे हैं, कैसे आया देखिए, जब हम इसी उसी ऑक्जेलिक एसिड को जब हम अमोनिया तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट के ऊपर जब या तो लेवलिंग सॉल्वेंट के ऊपर जब के साथ हम ऊपर करते हैं तो मतलब मिक्स करते हैं या उसके माध्यम करते हैं, तो हमारा सभी जो होता है फुल्ली डिसोसिएट, जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड था फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है और अमोनिया अलग फॉर्म होता है अमोनिया के अंदर का। तो यहाँ पर देखिए फुल्ली डिसोसिएट, तो यहाँ पर जो होता है एसिड भी फुल्ली डिसोसिएट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड भी फुल्ली डिसोसिएट होता है, इसलिए इसे लेवलिंग इफेक्ट या लेवलिंग सॉल्वेंट भी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग अथवा वीक एसिड दोनों के डिसोसिएशन सेम हो जाता है, यही आप याद रखिएगा। और उसी को जो होता है यहाँ पर जब इक्वस में तो होता है रेट ऑफ डिसोसिएशन कम था, डिग्री था, जब इसको हम नॉन एक्वस या ग्लेशियल एसिडिक एसिड में को हम इसको करते हैं तो इसका डिसोसिएशन डिग्री इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग होती है, यही होता है डिफरेंट डिफरेंशिएट इफेक्ट एसो करता है, ठीक है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, राइट द नेम ऑफ इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट 7H2 जो होता है, यही इसी को हम इप्सम सॉल्ट कहते हैं। इसको आप जानते हैं जो हमारा काला नमक या सेंधा नमक होता है दोस्तों, उसी को हम इप्सम सॉल्ट कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, आप जान ले अगर आ जाएगा एग्जाम में लिखे राइट दी फार्मूला ऑफ इप्सम सॉल्ट, तो आप बेझिझक लिख लीजिएगा मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो इप्सम सॉल्ट का फार्मूला होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन टू डिफाइन, इसका फार्मूला लिखना है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है दोस्तों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की लॉस हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखिए कॉपर्स
कॉपर जो होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर प्लस में हो रहा है, तो यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, एक कॉपर एक प्लस कमी एक प्लस आयन को लेकर कॉपर में बदल रहा है, तो यहाँ पर कॉपर की रिडक्शन हो रहा है। तो एग्जाम्पल जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दोस्तों, रिडक्शन एजेंट स्टेनस क्लोराइड को पोटेशियम आयड जिंक इसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है, राइट द ईयर फर्स्ट एंड फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी, इंडियन फार्माकोपिया की फर्स्ट एंड फोर्थ एडिशन का सन लिखिए। ठीक है, ये आएगा तो इसमें लिखना है आपको, क्योंकि यही बार बार पूछे इसलिए हम आपको इसको रिपीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो आया था दोस्तों 1955 में आया था, एंड फोर्थ वाला जो आया था 1996 में आया था। ठीक है, इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि इंडियन फार्माकोपिया दोस्तों, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया हमारे जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला है, अगर अगर फर्स्ट पहला इंडियन फार्माकोपिया इन आवर कंट्री आएगा, कंट्री लिखा रहेगा, तो आप उसमें लिखना 1968 होगा आपको 1868। अगर पूछेगा इन इंडियन फार्माकोपिया तो आपको लिखना होगा 1955 फर्स्ट आया था, फोर्थ 1966, अभी एट एडिशन चल रहा जो कि 2018-19 का है। ठीक है, तो अब दोस्तों देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 11 है, राइट द नेम ऑफ सेल्फ इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर का नाम लिखिए। सेल्फ इंडिकेटर जो होता है दोस्तों KMnO4 आप जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एक सेल्फ इंडिकेटर होता है ना, तो यह इसका नाम लिख लीजिएगा सेल्फ इंडिकेटर, KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं एसिडिक मेट्रिक एंड अल्कलाई मेट्रिक टाइट्रेशन, नॉन इक्वल टाइट्रेशन, थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, मोहर्स मेथड, फजांस मेथड। तो अब इसमें हम इसलिए आपको छोड़े हैं दोस्तों, एसिडिमेट्री या एल्कलाइमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है इसको हम पहले से पाँच मिनट की वीडियो बना चुके हैं, इसको नॉन इक्वल टाइट्रेशन के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में, तो क्विनोनॉइड थ्योरी और स्टुअर्ट थ्योरी इसके बारे में हमने बना दिया है वीडियो, इसलिए दोस्तों हम इसको इस वीडियो मेंशन नहीं किए ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। आप इस वीडियो इसको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर आप जाकर प्लेलिस्ट पर वीडियो पर आप देख सकते हैं, इसका सब वीडियो बना है एकदम एक्सप्लेन भी इजी में। और जो होता है दोस्तों हमारा मोहर मेथड एंड फजान मेथड आपको अगर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट को रिप्लाई दिया जाएगा आपको जल्द से जल्द, अगर कोई भी वीडियो का आपको आवश्यकता है तो कमेंट करिए, उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए इसी तरह, क्योंकि आपके एनालिसिस और जो आपका एचईपी एग्जाम हो गया, अगर एनालिसिस बचा है, एनालिसिस में आप जो कमेंट करेंगे अभी एक दिन के समय फुल उसका क्या कहते हैं आंसर दिया जाएगा आपको जो भी डाउट हो, और साथ ही साथ आपको एनालिसिस इसके साथ फार्मास्यूटिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स का भी पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पर, एक एक मिनट का आपको अपडेट दिया जाएगा। इसलिए आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ऑल करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप अपने दोस्तों को हेल्प करिए, बैक लगा से बचाइए। अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो आपसे 20 से 25 नंबर आपको कंफर्म है, क्योंकि यह शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर एंड जो 7 नंबर का है 10 नंबर सब का मिक्सर इस आंसर में इस आपका आधा घंटा के अंदर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीन को शॉर्ट कर ले लीजिए स्क्रीन शॉट, और आप वीडियो को अगर एक बार ना समझ रहे हैं दोबारा रिपीट करके पढ़िए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, देखते रहिए, थैंक यू।